हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट फोर वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट फोर वीडियो में एक्सरसाइज 20.1 पे है। निम्नलिखित के मान के लिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था, उसी टाइप का यह भी क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। इंटीग्रेशन दिया है 0 to π/4 डी एक्स बटा में 1 + sin x, तो मैं इसे कॉस में कन्वर्ट कर देता हूँ। कॉस π/2 - x, तो यहाँ 1 + cos θ वाला फॉर्मूला लगाएंगे। क्या होता है? 2 cos² θ/2। तो यहाँ से हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/4 डी एक्स बटा में 2 cos² π/2 - x और बटा में 2। चलिए अब देखिए, ये कॉन्स्टेंट है, बाहर निकालते हैं। 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/4 ये ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा? सेक हो जाएगा, सेक स्क्वायर। अंदर अंदर अलग अलग डिवाइड कर दो, π/4 - x/2 dx, ऐसे लिख सकता हूँ। तो आपको पता है सेक स्क्वायर का टेन हो जाएगा 1/2। यहाँ क्या आ जाएगा? टेन टेन π/4 - x/2। और देखो, इसका डिफरेंशिएशन करके डिवाइड में देना है। ये 0, इसका -1/2 आएगा, तो -1/2 पलटेंगे तो यहाँ -2 लगा देता हूँ, और लिमिट है 0 to π/4, यही ना है जी? चलिए 0 to π/4। चलिए ये 2 से 2 हट जाएगा, माइनस बचेगा, माइनस का टेन पाई बाई फोर माइनस एक्स बाई टू और 0 to π/4 ये दिया है लिमिट। चलिए देखते हैं, अब यहाँ पुट कर देते हैं, हो जाएगा माइनस का टेन π/4 - π/4 रखेंगे यहाँ भी, और 2 भी है तो π/8 हो जाएगा। चलिए और माइनस, और एक फॉर्मूले में का माइनस, तो दोनों प्लस हो जाएगा, फिर टेन π/4 - 0/2। अब की बात 0 पुट कर दिए, तो माइनस का टेन यहाँ हो जाएगा π/4 और माइनस का π/8 प्लस टेन π/4। चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, तो इसका इसका घटाएंगे तो आ जाएगा माइनस का टेन π/8 और प्लस में टेन π/4। तो इसका वैल्यू आपको पता है √2 - 1, और इसका भी 1 होता है, तो माइनस का √2 + 1 + 1 यानी कि माइनस का √2 और प्लस में 2, ये आपका आंसर यहाँ से आ रहा है। इसको आप सीधा भी करके लिख सकते हैं, 2 - √2, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। समझ गए? चलते अगले क्वेश्चन पे। अब चलिए क्वेश्चन